बना रही हूँ फेस पैक, आज मैं फेस पैक अप्लाई करूँगी। ये मेरा होम मेड पैक है एक, इसे मैं स्क्रब की तरह भी यूज़ करती हूँ, बॉडी स्क्रब, फेस स्क्रब, और कभी पैक बनाना हो तो पैक भी बना लेती हूँ। मैंने इसमें ऐड किया था थोड़ा सा मलाई और दूध, वो इसने सोक कर लिया है। अब मैं इसमें और ऐड करूँगी थोड़ा सा दूध, बहुत सारे ग्रीन्स का ये पाउडर है, तो इसे थोड़ी देर बना के रखेंगे तभी ज़्यादा अच्छे से ये काम करेगा, अच्छे से हर चीज़ सोक कर लेगा। और ये बनेगा आज गरम मसाला। गरम मसाला ख़त्म हो गया है तो आज मम्मी इसे पीसने के लिए सुखा रही हैं। मम्मी का एक स्वेटर खो गया है, हम उसे सब जगह ढूंढ रहे हैं। मैंने सारी अलमारी चेक कर ली, वो कहीं नहीं है, बट मुझे लगता है बेड में वो ज़रूर होगा, क्योंकि मैं कहीं वुलन्स बेड में रख देती हूँ सीज़न के एंड में। हाँ बोलो बोलो, बिना सारे याद आएंगे, निकालो। मुझे क्या मिलेगा ये बताओ अब आप। हाँ श्योर, नहीं तो मैं तो पैरा भी ना अपना दिखा तो। क्या ढूंढ रही थी अब आप? मैं एक कार्डिगन ढूंढ रही, एक साल हो गया पूरे मुझे, अब याद आया जब पहनने को चली, मेरा 2000 का कार्डिगन है, सेवल तो ले लेना गिफ्ट में। है और क्या बोले, तो सेवल ये मैं ये भी कह रही थी मैं, और ये सिर्फ पापा की जर्सी है, देखिए सुनो। देखा मैंने कहा था ना, बस यही एक। और इसमें क्या क्या खजाना है ये मैं आपको फ्यूचर में कभी ज़रूर बताऊँगी। फेस पैक ये बिल्कुल रेडी है अब अप्लाई करने के लिए। मुझे ना नेचुरल प्रोडक्ट्स ज़्यादा पसंद है, और जो भी ये फेस पर मैं अप्लाई करती हूँ स्क्रब पैक, ये मैं घर पर ज़्यादातर बनाती हूँ। मार्केट के बहुत कम ऐसे ब्रांड और प्रोडक्ट्स हैं जो मुझे पसंद आते हैं, मेरी स्किन थोड़ी सी सेंसिटिव है तो इसलिए हर कुछ मैं अप्लाई नहीं कर सकती। ये मैंने थोड़ा सा रोज़ वाटर को स्प्रे किया है। गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं मिल रही हूँ आप लोगों से 19th को। धीरे धीरे सारे फेस्टिवल्स जा रहे हैं, जब आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, जब चल रहे होते हैं तो बहुत थकन फील होती है, ले जाते हैं तो कितना सैड फील होता है, काफ़ी लोनली और अच्छा लगता है ना। बिज़ी रहना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, जब हम बिज़ी रहते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा सा उस वक्त ये फील होता है कि यार कब रेस्ट करेंगे, फिर थोड़ा सा बीच में रेस्ट मिल जाए और फिर से बिज़ी, बहुत अच्छा लगता है। अब आएगा क्रिसमस और न्यू ईयर, और फिर जैन में तो आई थिंक कुछ इतना होते नहीं है। ये वाला टाइम पूरे साल में सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, बैक टू बैक बहुत सारे फेस्टिवल्स आते हैं, पूरा साल कुछ ना कुछ चलता रहता है, बट ये टाइम सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, मेरा तो बहुत फेवरेट है, डेफिनेटली आप लोग को भी बहुत पसंद होगा। Thank you.
ओके मैं आज सोई दिन में, मतलब लेटती मैं दिन में रोज़ ही हूँ, बट कभी कभी नींद नहीं आती, कभी कभी आ जाती है। तो आज मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी नींद आई। वो कहते हैं ना कि ढोल नगाड़े बम्बा बजा दो उसके बाद भी आँख नहीं खुलती है, बिल्कुल वैसी चीज़ हुई। क्योंकि लिटरली मेरे पीछे गली में ढोल बज रहा था और फिर भी मेरी आँख नहीं खुली, मतलब मुझे सुनाई दे रहा है बट मेरी नींद नहीं खुल रही थी, कुछ वैसी वाली नींद आ रही थी मुझे। बहुत अभी भी मैं बहुत ज़बरदस्ती करके उठी हूँ कि यार उठ जाती हूँ, बहुत अच्छी नींद आई आज। आज मैं बनाऊँगी डिनर में फिर से हम सबका कुछ बहुत फेवरेट, बहुत स्पेशल। मुझे जाना था अभी बाहर बट मैं आज नहीं कल जाऊँगी, मुझे एक तो थ्रेडिंग करानी है और पापा जी के पास भी जाना था। मैं दिवाली पर नहीं गई थी, मम्मी पापा मिलकर आए थे तो मुझे बाबा जी से मिलने जाना है। और हाँ, उन्हें मिठाइयाँ भी उस दिन पसंद नहीं आई थी तो मिठाई भी देनी है उन्हें दूसरी। मैंने सोचा तो था मैं आज जाऊँगी बट आज मेरा मन नहीं कर रहा, मैं कल जाऊँगी। अब ये मसाला बनकर बिल्कुल रेडी है। मेरी मम्मी ना स्टार्टिंग से ही गरम मसाला, धनिया, मिर्च, हल्दी ये खुद मतलब पिसवाती हैं, जो रेडीमेड आता है वो यूज़ नहीं करती मार्केट से। और अब मैं तैयारी कर रही हूँ आज के डिनर की, मैं और मम्मी दोनों ही। मैं बना रही हूँ आज वेज पुलाव, उसके लिए मैंने लिए हैं कुछ सब्ज़ियाँ। मैंने आलू लिए हैं और ये है फ्रेंच बीन्स, थोड़ी सी गाजर और फूल गोभी। पनीर भी इसमें बहुत अच्छा लगता है बट अभी मेरे पास ना तो मार्केट वाला है ना मैंने खुद बनाया है। और ये ले रही हूँ मैं थोड़ा सा जिंजर और गार्लिक, इसे मुझे क्रश करना है। ये हाफ रेडी है, अब मैं इसमें ऐड करूँगी जो गरम मसाला बनाया था वो। इसमें मैं वेज पुलाव में कुछ बहुत ज़्यादा मसाले नहीं डालती, बहुत सटल फ्लेवर होता है इनका बट बहुत टेस्टी। अभी आप पूरी रेसिपी देखोगे, मुझे इसके साथ इसे क्रश करना है। और मैंने ये बर्तन जो लिया है बनाने के लिए, मम्मी ने इसमें अभी घी बनाया था तो मैंने वही भिगोना ले लिया है। इसमें मैंने थोड़ा सा सोयाबीन का तेल डाला है और अब मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा ज़ीरा। और ये दो तेज पत्ता मैंने इसमें डाला है। रात को चावल बना रहे हैं तो ज़रूर से डालें, चावल थोड़ा सा ठंडा होता है खाने में तो अच्छा होता है ये डालना, और वैसे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब मैंने उसमें ऐड करी है थोड़ा सा प्याज और ये जो पेस्ट हमने बनाया था क्रश जिंजर गार्लिक और गरम मसाला का, वो मैंने ऐड करा है इसमें। अब इसे थोड़ी देर भूनेंगे हम, बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी मैं इसमें सब्ज़ियाँ ऐड करूँगी तो उसके साथ भी अच्छे से भुन जाएगा। अब मैं ऐड करूँगी इसमें आलू, इसको बस थोड़ा सा मैं चला लूँगी। और इसी तरह से मैं बाकी सारी सब्ज़ियाँ इसमें मिक्स कर दूँगी। थोड़ा सा फ्राई करना है इन सबको, बहुत थोड़ा सा। मैंने सारी सब्ज़ियाँ इसमें अच्छे से धुल के डाल दी हैं, मैंने थोड़ा सा फ्राई करूँगी, बहुत ज़्यादा नहीं। मैं इसमें ऐड कर रही हूँ अब आधा मिर्च का मीट मसाला। बस यही दो मसाले हैं जो मैंने इसमें डाले हैं, आपको इसमें अलग से कुछ भी हल्दी या फिर मिर्च कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। और मैंने चावल लिए थे 2 ग्लास तो उसके लिए मैंने इसमें 4 ग्लास पानी ऐड करा है। जो टेस्ट है इसमें वो इन्हीं दो मसालों से आएगा, मिर्ची की भी ज़रूरत इसलिए नहीं क्योंकि हमने इसमें गरम मसाला डाला है अच्छे खासी क्वांटिटी में, वो खुद बहुत तीखा होता है। और मैं सबसे एंड में डाल रही हूँ इसमें नमक। मुझे नमक का ना, मैं खाना बहुत बनाती हूँ फिर भी मुझे कुछ खास अंदाज़ा नहीं है तो मैं नमक सबसे बाद में ऐड करती हूँ। और ये लिए हैं मैंने चावल, लॉन्ग ग्रेन राइस है आज इसमें। बॉयल आने पर पानी में मैंने ये चावल भी ऐड कर दिए इसमें, अब बस हमें इसे पकने देना है। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट मम्मी की चॉइस का है ये किशमिश,
जब तक मैं पुलाव में किशमिश नहीं डालूँ इसमें मम्मी को नहीं पसंद आते। मम्मी को बहुत ज़रूरी एक ये चीज़ है कि चाहिए, पुलाव में बहुत अच्छी लगती है उन्हें। और सच में पुलाव में किशमिश बहुत अच्छी लगती है, पुलाव में ग्रेवी में बहुत अच्छी लगती है किशमिश। और इधर मैं बना रही हूँ रायता, बूंदी का रायता, थोड़ा सा खीरा डालकर। बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है ये इन पुलाव के साथ। यहाँ मेरे पुलाव ऑलमोस्ट रेडी हैं, पूरी तरह से नहीं, अभी मैं थोड़ा और पकाऊंगी, बट मैंने इन्हें एक बार बीच में चला दिया है। चलिए गाइस, ये था मेरा आज का एक छोटा सा व्लॉग। कल फिर मिलेंगे हम नए व्लॉग में, तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए। और मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। कुछ भी अगर पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपनी फैमिली के साथ। कल फिर मिलेंगे, बाय बाय।